सो गाइस फाइनली टुडे इज द ट्रैवल डे। काफी दिनों बोल रहा हूँ मैं, महीनों बाद हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इट्स बीन यू नो 3 महीने हो गए, मार्च अप्रैल मई, तीन मंथ हो गए हम लोग कहीं बाहर गए नहीं थे। तो फाइनली टुडे वी आर गोइंग आउट और हम लोग पुणे जा रहे हैं। और हम लोग पुणे घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, मेरा भाई सुबोध, इसका कुछ तो इम्पोर्टेंट काम है, उसको लैपटॉप वगैरह लेना है तो वो लेने के लिए जा रहे हैं हम लोग। और वेदर भी बाहर काफी अच्छा हो गया है, सुबह सुबह काफी तगड़ी वाली बारिश हुई थी बट अभी इट्स वेरी ब्राइट नाउ, काफी सही हो गया है मौसम और राइड के लिए भी मजा आ रहा है। सो एंजॉय गाइस। सो गाइस आज के पूरे व्लॉग में ना यू विल सी माय हेयर मेस्ड अप एंड आल्सो आई विल बी वेयरिंग दिस ग्लेयर्स बिकॉज यू सी माय आईज आर वेरी स्लीपी नाउ। और हम लोग काफी जल्दी उठे थे सुबह और जल्दी हम लोग उठे और बारिश शुरू हो रहा था तो मैंने उसको बोला कि यू नो थोड़ा सा बारिश कम होने दे फिर हम लोग निकलते हैं। एंड दैट वाज द नाइस डिसीजन बिकॉज अभी बाहर वेदर बहुत ही सही है। एनीवेज गाइस यू एंजॉय द वेदर, यू एंजॉय द रोड। सो गाइस हमने अभी ट्रिप तो शुरू कर दी है बट यू नो ऑन द वे हम लोग ना दो ऑब्स्टेकल्स के बीच में आ सकते हैं। एक तो अभी रिसेंटली साइक्लोन हुआ था 2 दिन पहले, तो साइक्लोन के वजह से यू नो काफी सारे रोड वोड बंद होंगे ऐसा हमको लग रहा है, वो एक ऑब्स्टेकल हो सकता है। और हम लोग के गाड़ी का ना एक्चुअली इंश्योरेंस का इशू हो गया, इंश्योरेंस एक्सपायर हो गया और वो हम लोग अप्लाई करने का भूल गए तो वो एक इशू हो सकता है। अगर किसी ने पुलिस ने हमको पकड़ा तो वो एक इशू हो सकता है बट एनीवेज लेट्स सी नाउ क्या होता है क्या नहीं। सो गाइस पुणे इज अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम माय प्लेस विच इज बदलापुर और अभी हम लोग ने जस्ट माथेरान क्रॉस किया। इट्स बीन हाफ एन आवर हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। टू बी एक्यूरेट अभी हम लोग एनडी स्टूडियो के पास है। एनडी स्टूडियो में ना काफी सारे फिल्मों के सेट्स वगैरह लगाए गए जैसे कि जोधा अकबर एंड आई एम श्योर बिग बॉस का भी सेट है वहाँ पे। सो अभी हम लोग खोपोली चौक में पहुंचेंगे और जैसे ही तुम खोपोली चौक में पहुंचोगे ना तो एक राइट साइड में यू विल गो टू बॉम्बे एंड लेफ्ट साइड यू विल गो टू पुणे, तो हमको लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट लेंगे अभी वहां से। सो अभी विल टेक अ ब्रेक इन लोनावला मे बी, सो लेट्स सी यू देयर। सो गाइस आप भी अगर कहीं जाते हो यू नो लाइक मुंबई पुणे या कहीं पे भी जाते हो तो एक ई पास मिलता है, वो आपको ऑनलाइन यू नो अप्लाई करना पड़ता है। दैट इज बेसिकली परमिशन फॉर यू टू ट्रैवल ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, तो वो काफी इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो भी चलेगा बट वो इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोग को पीछे ही रोका था, देवर आस्किंग फॉर ई पास, अभी हम लोग के पास था, फॉर्चुनेटली हम लोगों ने निकाल के रखा था। तो इवन आप भी कहीं जा रहे हो ना तो वो निकाल के रखो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो गाइज नाउ वी आर ऑन द एक्सप्रेस हाईवे। हम लोग ने पहले सोचा था कि यू नो ओल्ड हाईवे से जाए मतलब लोनावाला खंडाला, मतलब आराम से रुक रुक के हम लोग काफी दिन बाद बाहर निकले तो हम लोग ने सोचा था कि यू नो थोड़ा नेचर वेचर एंजॉय करके जाएंगे बट अभी वो रास्ता बंद हो गया बिकॉज ऑफ द साइक्लोन, मे भी पता नहीं अभी क्यों बंद किया है। तो एनीवेज वी आर ऑन द एक्सप्रेस हाईवे, अभी हम लोग डायरेक्ट पुणे जाएंगे। सो लेट्स सी इन पुणे नाउ। सो गाइस पुणे से अराउंड 30 किलोमीटर मतलब प्रॉपर पुणे सिटी, अभी हम लोग को सिटी में नहीं जाना है, थोड़ा आउटस्कर्ट में ही है तो अभी हम लोग पहुंच जाएंगे मे बी इन 25 मिनट्स फ्रॉम नाउ। और हम लोग ने कहीं पे भी ब्रेक नहीं लिया, स्ट्रेट हम लोग जब से गाड़ी में बैठे चला रहे। हम लोग ने वही पहले सोचा था कि ब्रेक ले लेके चलेंगे, थोड़ा सा फन करते हुए चलेंगे बट नहीं हुआ वो पॉसिबल। सो एनीवेज नाउ आई विल रीच पुणे इन 25 मिनट्स, सो लेट्स सी यू देयर। सो गाइस हम लोग पहुंच गए अभी पुणे। हम लोग अभी हिंजेवाड़ी में, यू नो दैट इज द एंट्री पॉइंट फ्रॉम बॉम्बे, पुणे जब आते हो तो हिंजेवाड़ी इट्स द यू नो। तो अभी हम लोग हिंजेवाड़ी में पहुंच गए पुणे। हम लोग को यू नो 2 घंटा लगा, काफी कम टाइम लगा, बेसिकली 3 घंटे लगते हैं। सो अभी फटाफट काम करेंगे और आज ही हमको फिर से रिटर्न जाना है। सो पुणे का वेदर वगैरह भी काफी सही लग रहा है, काफी ब्राइट लग रहा है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे बारिश हुई है, जैसे मुंबई में अभी 2-3 दिन से बारिश शुरू है, मुझे नहीं लगता यहाँ पे बारिश हुई है, काफी ब्राइट है। और नाउ वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द मैप, मतलब कहाँ पे एग्जैक्टली जाना है हमको, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग रुके थे थोड़ा 5-10 मिनट, तो अभी चलते हैं फिर वो एड्रेस ढूंढते हैं अभी। सो गाइस पुणे हम लोग जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है, हम लोग एक्चुअली आए थे ये मैच बुक लेने
और हम लोग यहाँ पे पुणे पहुंचे थे 11 बजे, अभी बज रहे 3, और 11 से 3 हम लोग सुबह के फ्रेंड के घर पे गए थे, थोड़ा सा चिल किया, ये लैपटॉप वगैरह सेटअप किया और वो सब। अभी हम लोग वापस मुंबई के लिए निकल चुके हैं। Also guys, talking about this MacBook is, you know, 16 inches wala and this will cost you around 2,49,000, which is very much expensive. और हम लोग ने इसको यूज़ करके देखा, इट्स रियली बैटरी स्मूथ यार, और एप्पल के प्रोडक्ट्स तो आपको पता है कैसे होते हैं, लाइक रियली अमेजिंग। मेरे को तो भाई, आई एम टोटली इन लव विद दिस यार, दिस मशीन इज रियली अमेजिंग यार, बहुत फाड़ है, बहुत ज़्यादा फाड़। सो गाइज, दैट्स इट फॉर द वीडियो, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और वे लॉकडाउन में, यू नो, दिस इज जस्ट अ स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई साइड टू, यू नो, एंटरटेन यू गाइज ड्यूरिंग द लॉकडाउन, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज, टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।